तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि हाइपरवर्स उनको जल्दी मिल जाए। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे गाइस। तो एमआई न्यूज़ की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हमारे पास बहुत सारी नई न्यूज़ है Xiaomi के रिगार्डिंग, हाइपरवर्स के रिगार्डिंग, MIUI 14 के रिगार्डिंग, और अपडेटर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और बहुत सारे सिस्टम ऐप के अपडेट्स हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बट उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसी कमाल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। अब मुझे पता है कि मोस्टली लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, आपके फोन में व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में अपकमिंग डेज में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है कि अब से आपको एड्स देखने को मिलेगी। अब इसका फॉर्मेट वैसे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप लोगों को बहुत सारे जो बिजनेस अकाउंट्स हैं मतलब डिफरेंट कंपनीज के, उसमें से तो एड आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको जो गूगल मैसेज है उसी की तरह एड्स देखने को मिलेगी, कुछ बैनर एड्स भी देखने को मिल रही है, और माना जा रहा है मतलब काफी लिमिटेड सोर्सेज इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने कि इसका भी एक पेड वर्जन आएगा। व्हाट्सएप पेड वर्जन आने वाला है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप की जो लेगेसी थी ना वो वापस रिकवर हो पाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि एड्स आने के बाद लोग मोस्टली डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लोग व्हाट्सएप यूज करने के लिए पैसे पे करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे गाइस हाइपरओएस के 1.0 की नई टेस्टिंग शुरू हो चुकी है एक और पोको डिवाइसेस के लिए। इससे पहले पोको F5 के साथ इसकी जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नया डिवाइस है जिसके साथ इसकी टेस्टिंग हो रही है पोको का, वो है गाइस पोको F4। जी हां गाइस, पोको F4 के साथ इसकी जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जहां पे इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुकी है सामने। तो जिनके पास भी पोको F4 है गाइस, अपकमिंग डेज में आपको भी अपडेट्स देखने को मिलेंगे कंफर्म, वो भी लॉन्च के टाइम पे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज काफी तक क्लियर आउट हो चुकी है। तो जिनके पास भी पोको F4 डिवाइसेस है गाइस, रेडी रहो, जैसे ही ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो यहां पे गाइस बहुत सारे Xiaomi Redmi Poco डिवाइसेस, Redmi Note 9 सीरीज, 10 सीरीज, 11, 12 के लिए गाइस नए सिस्टम ऐप के अपडेट्स देखने को मिले हैं, जहां पे गाइस उनको थीम का नया अपडेट देखने को मिला है और उसी के साथ म्यूजिक का नया अपडेट देखने को मिला है। थीम वाले में अब आपको जो पेड देखने को मिलता था जिसमें गाइस अमाउंट अब आपको ऑफिशियली रुपीस में देखने को मिलेंगे, जो कि काफी हद तक चेंजेस हो चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पे इंटरफेस में माइनर से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, और थीम का ये अपडेट गाइस डेली बेसिस पे रोल आउट किया जा रहा है। तो हो सकता है गाइस कुछ डिवाइसेस में एक से दो दिन के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाए। बाकी गाइस बात करते हैं म्यूजिक अपडेट की, तो म्यूजिक अपडेट भी गाइस डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक का मोस्टली यूज नहीं करते, बट इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो। आपके ऑफिशियल सिस्टम ऐप अपडेटर में ये अपडेट देखने को मिला होगा, अगर नहीं मिला गाइस तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए एपीकेस प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि गूगल कैमरा 9.0 की स्टेबल एपीकेस आ चुकी है, जो कि गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड 13 और 14 के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 13 है या 14 है तो आप लोग सिंपली गूगल कैमरा की 9.1 मोड एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो। इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और इसके फीचर्स क्या क्या है इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग चाहो तो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। वैसे लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा होगा, आप लोग क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हो इस वीडियो के बाद। बाकी इस पर इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और अगर आपका डिवाइस कंपैटिबल है ना तो आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी, वो भी 30 FPS पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। उसी के साथ कैमरा इंप्रूवमेंट भी की गई है, बाकी ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, नया UI देखने को मिलेगा, और काफी सारे जो बग्स है उनको फिक्स कर दिया गया है। तो जाके गाइस आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको गूगल कैमरा कैसा लगा। उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे गाइस Redmi Note 10 के लिए MIUI 14 का 0.8.0 का ऑफिशियल ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। इससे पहले गाइस ये जो अपडेट है वो Redmi Note 10 Pro के लिए रोल आउट किया गया था, बट ग्लोबल में काफी लिमिटेड लोगों को गाइस ये अपडेट देखने को मिला था, जिसको गाइस काफी तक रोल बैक कर दिया था कुछ इश्यूज की वजह से। अभी भी गाइस ये रोल बैक ही है, बट फिर भी इसको रोल आउट किया जाएगा। तो Redmi Note 10 के लिए भी गाइस MIUI 14 का 0.8.0 का अपडेट देखने को मिल रहा है। Redmi Note 10 Pro के लिए गाइस ऑलरेडी रोल आउट हो गया था, बट अब उसको फिर से रोल आउट किया जाएगा एक वीक के अंदर, जिसके ऊपर कंफर्मेशन आ चुकी है ग्लोबल में। इंडिया में कब आएगा इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है अभी भी Redmi Note 10 Pro यूजर्स के लिए। बाकी गाइस इसके जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाके आप लोग सिंपली अपडेट कर सकते हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो Redmi Note 13 सीरीज की जो सारी टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, उनको सारे सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि Redmi Note 13 को ग्लोबल लॉन्च के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सामने, जो कि आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिल सकती है। जी हाँ गाइस, इन्होंने साफ साफ बोला था कि आपको जो फर्स्ट बैच है ग्लोबल का, उसको Q1 में अपडेट्स देखने को मिलेंगे,
जहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक रिलीज डेट आ रही है सामने, तो जनवरी में इंडिया को देखने को मिल सकता है अगर दिसंबर में ग्लोबल लॉन्च होता है हाइपर ओएस का, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि हाइपर ओएस उनको जल्दी मिल जाए। और ये सब चीजें डिपेंड करने वाली है यहाँ पे ग्लोबल लॉन्च पे कि अगर दिसंबर तक हो जाता है तो ऑब्वियसली जनवरी में इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और पोको की सीरीज आ रही है अपकमिंग डेज में, आप सभी को पता है, तो उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा। रेडमी सीरीज आएगी, इंडिया में लॉन्च की जाएगी, उसी के साथ शाओमी सीरीज को भी गाइस ग्लोबल और इंडिया में लॉन्च करना है, तो इनके लिए अभी भी काफी लंबा टाइम है। तो रेडमी नोट 13 सीरीज ही एक होप बचती है जिसके साथ हमें हाइपर ओएस देखने को मिल सकता है। वैसे टेस्टिंग में कंप्लीट हो चुका है कि रेडमी नोट 13 सीरीज को ऑलरेडी हाइपर ओएस देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर। उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे गाइस GTA 6 के रिगार्डिंग ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है रॉकस्टार गेमिंग की तरफ से कि दिसंबर में आपको गेम देखने को मिल सकती है। और दिसंबर में गाइस एक क्रिसमस के अराउंड इसको रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली पूरा एक हफ्ता आता है गेमिंग के लिए जहाँ पे गेम्स लॉन्च की जाती है। और आप सभी को पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लॉन्चर्स है जहाँ पे फ्री गेम्स भी दी जाती है, उसी तरह गाइस उसी टाइम पे GTA 6 को भी रोल आउट किया जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो डेट आ रही है सामने वो आ रही है 21 से लेके 30 के बीच में, कभी भी इसको रोल आउट किया जा सकता है। क्रिसमस के अराउंड यहाँ पे बहुत बड़ा क्लाउड क्रिएट होता है तो उनके लिए एक बेनिफिशियल होगा। बाकी GTA 6 के रिगार्डिंग डे बाय डे मैं आपको अपडेट देता रहता था, तो फाइनली गाइस इसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन आ चुकी है। बाकी इस गेम के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। उसी के साथ गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे गाइस Redmi K70 और K70 Pro के जो फ्रंट और बैक कैमरा है वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सामने, और ये कौन से चिपसेट के साथ आने वाला है इसके रिगार्डिंग भी कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है सामने। जहाँ पे Redmi K70 सीरीज आएगी स्नैपड्रैगन Gen 2 के साथ, वहीं पे Redmi K70 Pro आएगी गाइस Snapdragon Gen 3 के साथ। बाकी आप लोग फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा देख सकते हो जो कि काफी इंप्रेसिव है। बाकी इनके ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है कितना MP का होगा, उसी के साथ इसमें आपको कौन से सेंसर देखने को मिलेंगे, क्या खास होगा। बाकी ये काफी तक इंस्पायर्ड होने वाला है Xiaomi 14 सीरीज के साथ, जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता था। टेक्निकली बेसिक चीजें होती हैं, बस डिजाइन को चेंज कर दिया जाता है। बाकी इसके लॉन्च का मैं भी वेट कर रहा हूं, जब ये लॉन्च होगा तो ग्लोबल मार्केट में काफी तक तहलका मचेगा जरूर। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसी के साथ Redmi Note 11 के लिए इंडिया में MIUI 14 का 0.3.0 का ऑफिशियल इंडियन स्टेबल अपडेट को गाइस फुल्ली रोल आउट कर दिया गया है फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच में। ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत सारे यूजर्स ने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, बट जिन लोगों ने चेक नहीं किया तो जाके चेक करो, आपके लिए अपडेट अवेलेबल होगा क्योंकि अब इसे फुल्ली रोल आउट कर दिया गया है। और मुझे पता है काफी टाइम से अगर आप लोगों ने अपडेट सेक्शन चेक नहीं किया है तो अपडेट आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, जाके चेकआउट करो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग अब OTA लिंक्स की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि लिंक्स अब फुल्ली ओपन हो चुके हैं तो अब आप लोग इजीली अपडेट कर पाओगे। उसी के साथ गाइस आप सभी को पता है कि जो MIUI की अपडेटर ऐप है, तो आप सभी को पता है उसमें MIUI वर्जन देखने को मिलते थे जैसे 0.8.0, 1.8.0, तो अब उसको रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, कुछ यूजर को यहाँ पे MIUI 13 का अपडेट देखने को मिला, तो उन्होंने जो अपडेटर है उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद गाइस उनके जो सीरियल नंबर थे, कोड थे, वो सब गायब हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ लोगो देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से, जो कि मुझे पता है कि बहुत हद तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अपकमिंग डेज में आपको बहुत सारे Xiaomi, Redmi, Poco डिवाइसेस में सेम अपडेट देखने को मिलेगा जिसमें से सीरियल कोड को अब रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी भी चीज है। काफी हद तक जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बट फिर भी कुछ लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए इसको ऑन करने का। बाकी ये सब चीजें Xiaomi के ऊपर है, उनके हिसाब से सब चीजें होने वाली है। बट आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि Xiaomi ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दिया है बूट लोडर अनलॉक करने की, कि अब आप लोगों को आपका लेवल 5 होना चाहिए Xiaomi कम्युनिटी में। उसी के साथ इसमें आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी, यहाँ पे एक साल के लिए सिर्फ आप लोग अनलॉक कर सकते हो, अपने 3 डिवाइसेस को ही आप लोग अनलॉक कर सकते हो। उसी के साथ आप लोगों को OTA अपडेट्स नहीं मिलेंगे अगर आपके फोन में बूट लोडर अनलॉक है। बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग चाहो तो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, इसके ऊपर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस आएंगे तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप तक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आज के लिए गाइस बस ये न्यूज थी, अगर वीडियो पसंद आई है यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।